22 इंची पे गिराया हुआ है, तो इसके हिसाब से मैं कट इन कर रहा हूँ। अब जैसे आप लोग अगर उल्टा कट इन करते होंगे तो इस साइड में ये वाला हिसाब रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं इस साइड में रखते हैं, ठीक है। तो आपको गिराने का वही हो गया, ये वाला भाग इधर रखेंगे तो सेम इसी हिसाब से आप कट इन करेंगे। तो अब इसको पहले आपने 1 इंची के ऊपर एक निशान लगा देना है, निशान को सीधा लगा देना है। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद में यहाँ से एक निशान ये ऊपर का ले लेंगे। अब 2.5 इंची का जो डबल प्रेस होता है, 2.5 इंची का इसमें मार्क करेंगे। इसका लंबाई है 38 इंची, तो यहाँ से 38 इंची उसके बाद में ये वाला जो निशान है छाती कमर का, ये आपको उठा लेना है। ये छाती का हो गया, ये कमर का हो गया, वेस्ट का। ये हिप का हो गया, ये लंबाई का हो गया। ऊपर से जो है गला 3 इंची कटा हुआ था। अब ये मारिक जो है, इस मारिक को आपको छेड़छाड़ नहीं करना, ये आपका ये मारिक से आपको कोई भी हिसाब होगा तो ये वाला मारिक से हिसाब होगा, ठीक है। लूज कटना है, टाइट करना है, ये वाला हिसाब से आपको मार्किंग करना है। जैसे गला भी काटना है तो यहाँ से लेकर के इस आगे की तरफ कटिंग करेंगे, ये समझिए आपको मारिक कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में 3 इंची, 2.5 इंची काटा हुआ था तो इसमें 4.25 इंची काटेंगे। यहाँ से आपने साढ़े 14 इंची के ऊपर एक निशान लगाएंगे, तीन बटन है तो 4.5 प्लस 4.5। ये लेडीज़ है तो लेडीज़ में ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि बटन जो है ना ज़्यादा दूरी पे नहीं लगाते, 5 इंची 5.5 इंची नहीं लगाते, 4 इंची 4.5 इंची तक लगाते हैं। तीन बटन का है तो यहाँ से सीधा कर देना है। अब ये जो मारिक है इसको ऐसे सीधा कर दिए, यहाँ से 2 इंची ले लिए, यहाँ से 2.5 इंच 3 इंची
अब इसको सीधा लगाना है। अब ये गोल कर देंगे इसको। अब ये जो हमने रखना है 3.5 इंची, तो 3.5 इंची रख लिए। अब ये गोल कर दी। अब दूसरा कॉलर जो कटिंग होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये फिर ये टूटेगा तो दोनों एक हिसाब से आ जाएगा। तो ये हो गया नेपेल का। अब इसका कुश्ती जो है वो 9.25 इंची रखेंगे। साढ़े 6 इंची, अब इसमें क्या करना है आपको, सामने में जॉइंट है ठीक है, तो यहाँ से 2.5 इंची लेना, यानी 6.5 इंची, 6.5 इंची, 6.5 इंची, 6.5 इंची। अब निशान को सीधा ले लेंगे। ये कुश्ती 8 इंची के ऊपर मारिक लगाया था, तो इसमें देख लेना ये 1 इंची हो रहा था, 1 इंची ज़्यादा इधर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमें कटिंग करना है, ये सिलाई होना है ठीक है। तो ये मुझे सिलाई करना है तो मेरा कुश्ती छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसको कुश्ती को बढ़ा करके फिर ये निशान लगाना है। और यहाँ पर है ना थोड़ा कमर में शेप ज़्यादा कर देते हैं, इसमें लूजिंग देना है हमको 5 इंची छाती में, तो यहाँ से 2.5 इंची के ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे कमर में आपको 2 इंच 4 इंची देना है, तो 2 इंची के ऊपर रखेंगे।
अब ये हमने नापा हुआ था 7.5 7.5 7, तो 7.5 यहाँ पे रखना है और इसका है 42 इंची, तो 21 21.5, और ये 7 इंच, ये तो 7 इंची रख के सैंतीस इंची, तो 18 दूना 36 37 प्लस। इसका भाग मैं कम करके लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 इंची है और यहाँ पे 1.5 इंची है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंची कम करके, यहाँ पे 1.5 इंची कम करके फिर लगाना है। ये आपका साइड पीस हो गया। ये 42 साइज है, ठीक है। ये नेपल जो है ये 3.5 इंची जो है वो फिर यहाँ पे गोल हो जाएगा, और इसके हिसाब से ये भी मैं मारिक लगा कर यहाँ पर भी गोल कर दिया ताकि आपको कॉलर कट में आसानी हो। और यहाँ पे आपका बटन आ गया, 3 बटन हो गया। आपका ये आपका पॉकेट हो गया क्योंकि ये ज्वाइंट होने के बाद में बनेगा, ठीक है। वॉलेट पॉकेट नहीं है। अब यहाँ से आपको बैक नाप करके ये क्रॉस का निशान लगा देंगे, 16.5 इंची है, 22.5 इंची है, तो यहाँ से कमर से 22.5 इंची लगा करके और 2 इंची नीचे मार्जिन जो है
आप देख ले, ये गोल नेपेल का हो गया, 3 बटन हो गया डबल ब्रेज का, यहाँ पे बटन आ गया, ये भी बटन हो गया आपको, ये पॉकेट हो गया। अब इसको भी कट इन कर देना है और यहाँ से भी कट इन करना है। अब इसका बाजू जो कट इन करेंगे, साढ़े सात इंच के ऊपर करेंगे, इसका नेपल जो है इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से नेपल आएगा, यहाँ पे गोल है, मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि हर एक आदमी को पता। हर एक आदमी को पता चल सके। साइड में 2 इंची जितना दबाव रखेंगे, इसका जो सेंटर है, पहले सेंटर का जो लाइन है इसको कट इन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा निकाला हुआ था कमर में, कमर में सेव कर दिए। आप साथ ही इसको भी ये आपका यहाँ पे ज्वाइन हो गया। इस तरीके से आ जाएगा, पॉकेट भी आपका बन जाएगा। ये सिलाई लगाने के बाद में आप इसको कट इन कर सकते हैं।
तो कोई भी ओवरकोट आ रहा है आपको कटिंग करने के लिए तो सेम इसी तरीके से काटिए। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोगों को कोई ऐसा डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और ये बहुत ही मेहनत के बाद में वीडियो बनाया हुआ था, आप सब प्लीज़ प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और इसका जो बैक पार्ट है फिर देखें, फ्रंट देखें, फिर बाजू का देखें, ताकि पूरा आपको क्लियरली पता चल सके और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़। तो ये डबल ब्रेस का लॉन्ग कोट है।